नजरिया भी आपको लेके आते हैं। अजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं डायमेंशन कंसल्टिंग से। अजय गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जैकेट तो बहुत ही शानदार लग रही है। अरे थैंक यू, धन्यवाद। क्या बात है, मजा आ गया। देखिए दिल्ली में लोग थोड़ा पहने ओढ़ने के बड़े शौकीन तो होते ही हैं, बाजार कहीं भी कहीं जाए, लेकिन शान में कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत शानदार जैकेट, आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू ऑन योर टेस्ट। थैंक यू। अजय ये बताइए बाजार में क्या करवा रहे हैं अभी? एक बार 1000 पॉइंट की निफ्टी रैली तो हो गई, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के मूड में है। कह दिया बाजार में खर्चिए पैसा अपना, कपड़े खरीदिए, घूमिए घामिए। बाजार में निवेश से आपको एंग्स्टी मिलेगी, कोई आपका वो नहीं मिलने वाला। देखिए बाजार को आप इसलिए देखिए कि महंगे बाजार में इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है, आरबीआई ने इन्फ्लेशन का टारगेट अब गिव अप कर दिया है, जो भी रीजन था उनका गिव अप करने का कर दिया है कि भाई 5.66 इन्फ्लेशन आया तब भी हमें कोई परवाह नहीं, क्योंकि टारगेट उनका 4% 2 to 4 का बैंड में, उनका 6 में बैंड में है। उस नजरिए देखते हुए अगर आपको अगर करना है इन्वेस्ट तो आप फिक्स इनकम में करिए, ज्यादा इक्विटी में निवेश करना है तो उसको खर्ची कर डालिए, इससे पहले कि बाजार आपसे पैसा ले जाए अपनी फैमिली पे पैसा खर्च दीजिए। हमारी राय 6 महीने से लगातार यही चल रही है, 8 महीने से, कि इस माहौल में इक्विटी इन्वेस्टमेंट बहुत समझ के करें, लॉन्गर टर्म परस्पेक्टिव पे करें, और ये सोचना कि ये मार्केट आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न देगा बहुत ही मुश्किल है इस माहौल में। नैरेटिव को भूलिए, अपने पे ध्यान रखिए, पोर्टफोलियो पे खर्चा करिए, वही इकोनॉमी को बढ़ाएगा, वही आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। लेकिन देखिए मार्केट में पार्टिसिपेंट्स को ना थोड़ी इच होती है, खुजली होती है, जबरदस्त पिटाई हो रही है आईटी की, क्या खरीद लूं मैं, अगर खरीद लूं तो कितना, क्या व्यू रखना चाहिए। और ये ग्रोथ स्लोडाउन का मामला कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी क्वार्टर में पीक पेसिमिज्म भी हो जाए, स्टॉक बॉटम कर जाए, तो आप क्या राय लेंगे आईटी पे? अब देखिए आईटी इन्वेस्टमेंट हमेशा कहा है कि एक इंडिया के लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसको आपको लगना पड़ेगा 4 से 5 साल के पर्सपेक्टिव पे, और आईटी को हमेशा रखिए इन्वेस्टमेंट डिविडेंड के पर्सपेक्टिव से कि आप उसका 5, 7 साल, 10 साल डिविडेंड खाएंगे। ये मैं इनको बोलूंगा, ये एक बास्केट है, ये शेयर्स हैं एमएनसी शेयर्स जैसे नेस्ले वगैरह बास्केट है, जहां पे आप डिविडेंड कमाएंगे, स्टेबिलिटी रहेगी आपको, कि गवर्नेंस इशू नहीं आएगा, मार्केट इशू आ सकता है, गवर्नेंस इशू नहीं आएगा आपके साथ में, और करेक्शन पे आप इसको लीजिए, बट पर्सपेक्टिव आपका है कि 5 से 7 साल वाला। इसको अगर 1 साल में रिटर्न देखना है तो 1 साल के अंदर में तो फिर ये सेक्टर आपको बड़ी मुश्किल से रिटर्न देगा, 3 से 5 साल में एक बार कभी देता है साल में रिटर्न, उसके बाद ये फ्लैट हो जाता है। और जो कंपेटिटिव माहौल है इकोनॉमी के ऊपर में या ग्रोथ के ऊपर में या इन कंपनियों पे, आपने देखा होगा चैट जीपीटी का जो इन्फ्लुएंस आ रहा है मार्केट के ऊपर में, लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया चैट जीपीटी को, बट इन कंपनियों पे, कंसल्टिंग कंपनियों पे बहुत जबरदस्त फर्क पड़ेगा द वे द वर्ल्ड इज वर्किंग। तो उस माहौल को देखते हुए आपको अगर 5 साल परस्पेक्टिव है, शौक से आईटी में इन्वेस्टमेंट शुरू करिए, करेक्शन पे और लीजिए, कोई परवाह नहीं है। बट अगर आपको 1 साल का परस्पेक्टिव देखना है तो अभी तो बैड न्यूज शुरू हुई है। देखिए पहली बार इंफोसिस ने डी ग्रोथ बताई है इस क्वार्टर के अंदर में, मुझे लगता है कि सारी, हमने इससे पहले सारी कंपनियां इस साल में मेरे हिसाब से आईटी कंपनी डी ग्रो करेंगी, और उस माहौल को देखते हुए आप एक क्वार्टर वेट करिए ना, आप जून में लीजिए शेयर को या सितंबर में लीजिए, जल्दी नहीं है, बस इस मार्केट में कोई जल्दी नहीं शेयर खरीदने की, हर चीज मिलेगी आपको। हियर यू अजय, डोंट रश इन आईटी सेक्टर, और जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना ले। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले, गुड मॉर्निंग अजय, आपने कहा कि खर्चा कीजिए, इससे इकोनॉमी में बढ़त होगी और इवेंचुअली इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर भी पड़ेगा। तो आइए खर्चे वाले सेक्टर से ही बात करते हैं और उस पर ही आपका टेक जानते हैं। अब रिटेल, कंजम्पशन थीम, मल्टीप्लेक्सेस, लिकर स्टॉक्स, ये सारे के सारे खर्चे वाले स्पेसेस हैं, क्या इन पर नजर रखनी चाहिए? क्योंकि आईटीओ बैंक्स फाइनेंशियल्स पर तो लगातार नजर है ही, और उस पर आपके टेक्स भी हम जान रहे हैं। देखिए होटल में हमने कहा 2 साल से कि होटल इंडस्ट्री इंडिया की कंसोलिडेट हो रही है, बहुत बढ़िया रिटर्न दे रही है होटल इंडस्ट्री आपको, और उसमें स्टेबिलिटी भी आई है अर्निंग के अंदर में, और उसके अंदर में अगर निवेश है तो आप कोई भी वीकनेस लेके उसमें आप कर सकते हैं। हमारे हिसाब से अभी थोड़ा सा अब आराम से करिए इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ऑल्दो हमको लगता है कि होटल इंडस्ट्री अब फिर बिल्कुल रिवाइव हो गई है, बट आई थिंक लास्ट महीने 2 महीने के अंदर में एक सॉफ्टनेस जरूर आ रही है इंडस्ट्री के अंदर में, और वो बड़ी विजिबल होगी 1 से 2 जून में। जल्दबाजी नहीं है, बट इंडिया के लिए होटल इंडस्ट्री बहुत बेहतरीन इंडस्ट्री है, बिकॉज इसमें कंपटीशन कम होते जा रहा है, कंसोलिडेशन प्ले बढ़ते जा रहा है, और प्लेयर भी 2 ही 3 है, ये भी नहीं कि आप मेरे पास में 10 प्लेयर हैं तो कम्पीट करेंगे, 2 ही 3 प्लेयर हैं, और 2-3 इतने बड़े दिग्गज प्लेयर हैं कि उनसे छोटे का कम्पीट करना बड़ा मुश्किल है। वो नजरिया देखते हुए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री, 2 इंडस्ट्री को तो हम जरूर मानेंगे कि चलेगी। मल्टीप्लेक्स हम पे बहुत उम्मीद थी, लेकिन आपने देखा है क्या हालत हुआ है, यू नो
जैसे पॉलिटिकल पार्टीज का निपोटिज्म में पॉलिटिकल पार्टियां साफ हो गई हैं, उस हिसाब से फिल्म भी निपोटिज्म में फिल्म भी साफ कर दी है पब्लिक ने कि आप उन्हीं के बच्चों को उन्हीं को ले लेके आप पिक्चरें बनाओगे, हम नहीं देखेंगे पिक्चरें, और हमको अगर आप 300 रुपए का पॉपकॉर्न देंगे हम अपने घर में पॉपकॉर्न खा के ओटीटी देख लेंगे। तो दो चीजें बड़ी आई हैं मल्टीप्लेक्स में, एक सॉफ्टवेयर निपोटिज्म आउट करिए, टैलेंट को लाइए, दूसरा आप बेवरेजेस और ये फूड स्टफ को आप इस लेवल पे लाइए कि लोग कंज्यूम कर सकें। आप बच्चे को ले जाते हैं मल्टीप्लेक्स में, कैसे मना करेंगे खाने के लिए, और कैसा परिवार है जो 1,000 रुपए पर पर्सन वो खर्च के आएगा कोल्ड ड्रिंक और मल्टीप्लेक्स। तो मेरी राय यही है मल्टीप्लेक्स वालों से कि मोनोपोली तो बना ली आपने लेकिन आप लोगों को नहीं ला पाएंगे अगर इस तरीके से आप चलेंगे, तो इसलिए हमने अभी उसको मल्टीप्लेक्स में रखा। लिकर कंपनियां बेहतरीन शानदार इन्वेस्टमेंट है, समझ नहीं आता कि एमएनसी की जो मैनेजमेंट है वो इतनी क्या कहें उनके बारे में कि उनको अगर आप, मैं कई बार बोल चुका हूं, आप हिंदुस्तान में ब्लैक लेबल बेच के प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो फिर आपको कंपनी में रहने की जरूरत नहीं है, आप किसी एनजीओ में जाके काम करिए। और यही हमारी फेलियर रही है, दो बड़ी एमएनसी कंपनियां हैं लिकर की, परफॉर्मेंस देखिए बहुत ही निम्न किस्म परफॉर्मेंस है, और डिमांड देखिए आप जाइए बियर और विस्की की डिमांड कितनी जबरदस्त है मार्केट में, पर कंपनियां क्यों नहीं पैसा बनाती हैं ये मैं नहीं जानता हूं। सेक्टर बेहतरीन, कंपनी का मैनेजमेंट जीरो। ये वाला सवाल जो जो आपने जवाब दिया मानसी का लिकर वाले पे, लगा बहुत दिल से आ रही है बात, बहुत गहराई से बाहर निकल के आ रही है आपकी ये वाली बात। देखिए ये बात भी मैं एक्चुअली आपको उस दिन याद कर रहा था क्योंकि मैं एक तरफ देखता हूँ यूनाइटेड स्पिरिट्स का स्टॉक जो 40-50% गिरा हुआ है और चलने का नाम ही नहीं लेता हर भाव से, दूसरा आप देखिए रेडिको खेतान, उन्होंने इतने नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और कहीं ना कहीं बहुत आउटपरफॉर्म कर रहा है और मैनेजमेंट थोड़ा काफी जागरूक हो गया है बहुत एक्शन में, एक ही स्पेस में प्रीमियम लिकर में दोनों की इतनी डिफरेंट परफॉर्मेंस, आपने देखा इसका कंपैरेटिव देखा है आपने? नहीं देखिए मैंने वही बोला ना आपको कि दो सबसे बड़ी दिग्गज एमएनसी कंपनियां हैं, चाहे बियर में ले लीजिए स्कॉच में ले लीजिए, दो ही कंपनियां हैं इंडिया में जो लिस्टेड स्पेस में है। बिल्कुल सही कहा, परफॉर्मेंस देखिए, और दरअसल मैं कह रहा हूँ कि हैरानी की बात है कि आप अगर राजस्थान में जाके पानी नहीं बेच पाएंगे, हिंदुस्तान में आके ब्लैक कलर प्रॉफिट नहीं कमाएंगे निवेशक के लिए, यू नो ये प्रॉब्लम क्या आ रही है? आप देखिए ये प्रॉब्लम हिंदुस्तान की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एमएनसीज की कि बाय एंड लार्ज एमएनसीज की परफॉर्मेंस जो बेहतरीन हुआ करती थी एक टाइम पे, आज पिछले 5-7 साल से एमएनसी इंडेक्स की परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर हो गई है। रीजन बतेरे होंगे, कैपिटल गुड में अभी थोड़ा सा आया है लेकिन 10 साल तक बहुत बुरी हालत थी। आप लिकर ले लीजिए, कंज्यूमर स्टॉक्स में ले लीजिए, थोड़ा एक नस्ले आउटलायर है, बाकी तो खैर बिलो एवरेज रिटर्न्स है। ये सब मैनेजमेंट का खेल है, क्यों ऐसी एमएनसीज मैनेजमेंट ऐसा लाती हैं, और मैं खुद एमएनसीज में था, एक टाइम पे सिटी बैंक में था, मैं हैरान हूं देख के कि ये परफॉर्मेंस कैसे झेली जा रही है ओवरसीज मार्केट में और कैसे अलाउ कर रहे हैं इंडियन इन्वेस्टर्स को, और चारा क्या हमारे पास, मगर लिकर ट्रेड है तो दो ही कंपनियां हैं और रेडिको आपने बोला एक तीसरी कंपनी है, बट उसके लिए निवेशक बाहर बैठा देख रहा है, मार्केट इतनी बेहतरीन, लाइनें लगी हैं दुकानों के आगे, आपने देखा होगा शाम को होली में दिवाली में लाइनें लगती हैं लेकिन इन्वेस्टर्स की जेब में कुछ पैसा नहीं आ रहा है, क्यों इसका तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग। यस अजय, ये बात तो आपकी ठीक है लेकिन वी वुड वांट टू नो ओपिनियन ऑन अदर मैटर्स आल्सो। आपने एचडीएफसी बैंक के नंबर्स को कैसे एनालाइज किया, इनफैक्ट क्वार्टर अर्निंग्स आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट डिवाइडेड ओपिनियन है एचडीएफसी बैंक में, हालांकि ग्रोथ हर फ्रंट पे, एडवांस रिटेल कॉर्पोरेट डिपॉजिट, इनफैक्ट इनके निम्स भी वापस आए हैं जो काफी कंसर्न था कई क्वार्टर्स से, लेकिन आपने कैसे एनालाइज किया और इनफैक्ट कॉर्पोरेट अर्निंग्स Q4 की आप देख कैसे रहे हैं? देखिए हमको तो थोड़ा शॉक लगा कि पहली बार हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ जो एचडीएफसी बैंक में क्यू ऑन क्यू, उसकी उम्मीद नहीं थी हमको कि इस माहौल में जहां पे निम भी अच्छे हैं, पर्सनल ग्रोथ भी अच्छी रही है, लोन्स की अच्छी रही है, उसके बावजूद आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर ऐसा चला गया है कि उसके अंदर में अब जो स्टोरी नजर आ रही है कि अगर आपको ग्रोथ करनी है तो आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑपरेटिंग कॉस्ट करनी पड़ेगी, और खासकर इसके अंदर में एक सबसे बड़ी लाइन जो आ रही है वो आ रही है ईसॉप की, कि जब जब आपके शेयर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आप उन एम्प्लॉयज को आप रिवॉर्ड कर रहे हो ईसॉप से, क्यों रिवॉर्ड कर रहे हो ईसॉप से और निवेशक की जेब से लिखे। तो ये अब जो एचडीएफसी बैंक की विडंबना ये है कि आप कंबाइन होने के बाद अगर यही हालत रहा प्रॉफिटेबिलिटी का तो आप कितना रिवॉर्ड करेंगे अपने एम्प्लॉयज को और कितना चार्ज डालेंगे पीएनएल अकाउंट के अंदर में। तो जो भी आज निवेशक है एचडीएफसी बैंक का, ये समझ ले कि एचडीएफसी बैंक का कॉम्पेंसेशन मॉडल भी अब एक स्टार्टअप की तरीके से हो गया है कि देखिए
हम तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे लेकिन आपको ईसॉप देते रहेंगे, डाइल्यूशन करते रहेंगे और चार्ज लेते रहेंगे पीएनएल में। उस नजरिए को देखते हुए अब तो लग रहा है क्लियरली कि ये स्टॉक अंडर परफॉर्म ही करेगा अगले 12-14 महीने में, बिकॉज कंसोलिडेशन रिस्क होगा, उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन में आदमी का मैनेजमेंट का फोकस जाएगा, उसके बावजूद उनको डिपॉजिट अरेंज करने हैं बिकॉज जितने भी HDFC मर्ज होगा तो सारा लोन्स मर्ज होगा उनके साथ में। चैलेंजेस को देखते हुए अंडर परफॉर्मेंस बहुत क्लियर है, बट ये जो Q1Q जो शॉक लगा है कि कॉस्ट स्ट्रक्चर नहीं मैनेज हो पा रहा है, ये बहुत गड़बड़ है और ये मैनेजमेंट को देना पड़ेगा पॉलिसी कि ईसॉप के लिए वो कितना एलोकेशन करेंगे क्वार्टर टू क्वार्टर और कितना चार्ज होगा हमारे को इन्वेस्टर्स को। नजरिया देखते हुए कंसोलिडेशन, ये जो Q1Q फॉल इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ईसॉप का कॉस्ट देखते हुए आई थिंक डेफिनेट है हमको कि HDFC बैंक इंडस्ट्री में अंडर परफॉर्म करेगा निवेशक के लिए। एक साल से किया है अंडर परफॉर्म, दो साल से भी आई थिंक पिछले 3-4 साल से अंडर परफॉर्म किया है और अभी भी शायद लगता है करता रहेगा। तो साइडलाइन पे रहिए, अच्छी बैंक है, कोई तकलीफ नहीं है बैंक में, आपका पैसा बनना बहुत मुश्किल है इस बैंक में। HDFC बैंक ऑन क्यों बेसिस शॉक्स नजर आए और डैमेज कंट्रोल की बारी, यहाँ पर देखना होगा किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हैं। लेकिन अजय, बिफोर वी लेट यू गो, हमारे व्यूवर्स के एडवांटेज, हमारे व्यूवर्स के इंटरेस्ट के लिए आप बताइए, मार्केट का ओवरऑल आउटलुक तो आपने बता दिया, लेकिन इस वक्त मार्केट को प्ले आउट कैसे किया जाए, ओवरऑल कितना एक्सपोजर अपने हार्ड एंड मनी का इक्विटीज में होना चाहिए, कैपिटल एलोकेशन प्रिफर्ड कैसी होनी चाहिए? देखिए हमारा एलोकेशन मॉडल वही है, 50-50 डेट फिक्स्ड इनकम, 10% गोल्ड एंड 40 इक्विटी में अभी भी रखना चाहते हैं हम, क्योंकि देखिए बाजार का किसी को पता नहीं है कब बाजार कब चेंज होती है, सबको गलत साबित करता है बाजार, एक दूसरी बात है कई चीजें बाजार में आपको हर टाइम पे मिलेंगी जो बेहतरीन चीजें होंगी, जैसे हमारे हिसाब से आप जैसे करेक्शन होगा मेटल स्टोरी में आप जाइए कोई परवाह नहीं, 10 साल तक आप डिविडेंड कमाइए उसके अंदर में। उसके अलावा कैपिटल गुड की स्टोरी चलती रहेगी और थोड़ी बहुत कंपनियां कोई ना कोई स्टोरी नहीं आती रहेगी मार्केट में, तो 40-45% एलोकेशन डेफिनेटली इक्विटी में रखिए पोर्टफोलियो में, बट 50 आप फिक्स इनकम में रखिए, क्योंकि दो चीजें होंगी, एक इतना अच्छा इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा आपको, आज पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट है आपके पास में, दूसरी बात है कि बाजार में कभी उछाल आएगा, कोई मौका आएगा, करेक्शन आएगा, आप फिक्स इनकम से 2 मिनट में निकल के इक्विटी में आ सकते हो, इक्विटी में रह के इक्विटी में निकलना करेक्शन में बहुत मुश्किल होता है, लॉस बुक करना बहुत ही मुश्किल होता है किसी इन्वेस्टर्स को, जानते हुए भी कि और होगा लॉस बुक नहीं करते हम लोग, तो उस हिसाब से 50-10 गोल्ड 40 इज डेफिनेटली इक्विटी, और इक्विटी में भी more towards metal, capital good story, hotel story, consumer aviation story, bank से अभी आप दूर रहिए, इसमें below market return आने वाली है। All right अजय, बहुत-बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। अजय, thank you very much। हमारे साथ बात कर रहे थे बाजार के बारे में।